हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। सो टुडे जस्ट वांटेड टू शेयर सम ग्लिम्स ऑफ माय यस्टरडे इवेंट विच आई हैव अटेंडेड। इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। लाइक 10 ईयर्स अगो मैंने देखा था, सोचा था कि कभी मैं भी इसका पार्ट हूँ। सो मैंने लकीली यस्टरडे आई गॉट अ चांस टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। द इवेंट वॉज ऑल वुमेन बाइक रैली। एक तरह से ख्वाब पूरा हो गया, 10 साल पहले देखा था, कल अल्लाह का शुक्र वो ख्वाब पूरा हुआ। तो बहुत बढ़िया इवेंट था, बहुत मज़ा आया। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो में आपको पूरा दिखेगा कैसे क्या हुआ। जैसे ही पहुँचे, रजिस्ट्रेशन कराया, नाश्ता हुआ, देन उसके बाद हमारा फंक्शन शुरू हो गया। हमारी रैली शुरू हुई। रैली शुरू होने के बाद हम लोगों की जब रैली ख़त्म हुई तो फॉर्च्यून पार्क, दैनिक जागरण चौराहे पे, लखनऊ में एक होटल है, वहाँ पे हमारा क्लोजिंग इवेंट था, जहाँ पे क्विज़ कॉम्पिटिशन हुआ, नुक्कड़ नाटक के कुछ इवेंट हुआ। तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड बाकी मैं रूट आपको आगे समझाऊँगी। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर एवरीबॉडी, जिंटर एवरीबॉडी, गेट योर नंबर टैग, पुट इट ऑन योर यू नो ऑन योर अटायर एनीवेयर ऑन योर बाइक। ऑल्दो दिस रैली इज ऑफ कोर्स we've taken full care and precautions for everybody out here, but iske alawa bhi kyunki mausam jaisa ki aap dekh sakte hain, जैसा कि आप लोगों ने अब तक वीडियो में देखा, स्वागत हम लोगों का ढोल के साथ कितना ही मज़ेदार हुआ था। आई होप आप लोगों को अब तक की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जब ढोल से स्वागत हुआ तो कुछ लेडीज़ ही, इनका एक्चुअली एक पूरा ग्रुप था, हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, जिसे देख के बहुत ही मज़ा आया। सो इस रैली में पीपल हैव कम विद देयर पार्टनर, लाइक हर किसी के साथ पार्टनर था, किसी की सिस्टर थी, किसी की मदर साथ में थी, किसी के हस्बैंड थे। तो मेरे साथ आई वॉज़ द ओनली वन जो मतलब अकेली पहुंची थी वहाँ पे। सो मैं ज़्यादा रूट का वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई, बिकॉज आई एम ऑफकोर्स मैं ही राइड कर रही थी, तो जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने कैप्चर किया। एंड जब तक हमारी रैली का फ्लैग ऑफ नहीं हुआ था, तब तक देयर वॉज प्रेस मीडिया देयर, जो कि हम लोगों के फ़ोटोज़ एंड इंटरव्यू ले रहे थे। तो मेरा भी इंटरव्यू हुआ है, लास्ट में मैंने एक क्लिप ऐड करी है, उस क्लिप को ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ पे एक ये थी मैडम हु वॉज़ वेयरिंग हिजाब एंड बुरखा, एंड शी केम विद हर हस्बैंड एंड सन, जिनको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इफ हस्बैंड इज़ सपोर्टिव ना, वुमेन कैन विन एनीथिंग इन लाइफ। लाइक माई हस्बैंड इज़ अ वेरी सपोर्टिव मैन, सो आई एम डूइंग वट एवर आई वॉन्ट, बिकॉज उनका सपोर्ट रहता है पीछे से। सो मे गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज, एंड ऐसे ही सबको मिले, ऐसे ही मेरी दुआ है कि सारी लड़कियों को इतने ही सपोर्टिव हस्बैंड एंड फैमिली मिले जैसी कि मुझे मिली है। देन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यहाँ पे देयर वाज नो एज लिमिट। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ को खुशी हुई कि 45 प्लस एज की भी लेडीज़ थी वहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंड उनको देख के एक अलग ही लेवल का एनर्जी आ गया। देन क्योंकि मैं ही राइड कर रही थी, सो आई कुडंट कैप्चर द रूट का वीडियो। सो चलिए मैं आपको रूट समझा देती हूँ। सो वी हैव स्टार्टेड विद एलडीगो ट्रिनिटी जस्ट बिहाइंड द पुलिस हेडक्वार्टर। उसके बाद वी हैव वेंट थ्रू जी ट्वेंटी रोड से 1090 चौराहा, देन सीएम आवास उनका जो घर है, उसके बाद हजरतगंज, देन देयर इज अ शहादत अली टॉम जहाँ पे हम लोग का 10 मिनट्स का हॉल्ट हुआ था। उसके बाद वी हैव रीच्ड टू द फाइनल डेस्टिनेशन विच वॉज फॉर्च्यून पार्क एट दैनिक जागरण चौराहा। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पे फिर से हमारा दोबारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ, ढोल वाले पहले ही खड़े थे। देन उसके बाद अंदर बैंक्वेट में पूरा एक अच्छा सा इवेंट था, तो उस इवेंट में क्विज़ कंपटीशन हुआ था, नुक्कड़ नाटक था, एंड काफ़ी बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई थी। तो चलिए अब आप लोग वीडियो को इन्जॉय करिएगा, एंड अच्छा लगा हो तो लास्ट में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बताना चाहेगा कैसे।
शब्दों के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कब कहती हूँ वो अच्छा बहुत है, मैं कब कहती हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। मैं कब कहती हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। खुदा इस शहर को महफूज रखे, वो बच्चों की तरह हंसता। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बाइकर्स जो हमारी लेडीज हैं, वाह भाई वाह, वाकई हिम्मत आला ने सही कहा कि सुपर वुमन नहीं, सुपर सुपर से जैसे शक्ति कहती है उससे भी ऊपर। क्यों? बाइक चलाना मुश्किल नहीं है, हालांकि मैंने कभी नहीं चलाई, एक बार कोशिश करी थी तो दो बार गिरी थी, लेकिन आप एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स है कि आप लोगों को देख के वहाँ वेलकम हुआ। बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो एंड कंटिन्यू दिस स्पिरिट, प्लीज कंटिन्यू। इफ्फत आरा के बारे में मैं थोड़ा सा दो मिनट बताऊँगी कि अकबरपुर के राजा नवाब अली इनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। तो भाई आप लोग तशरीफ रखिए, प्लीज बैठ जाइए, टीचर बोल रही है प्लीज सिट डाउन, प्लीज सब घरेलू काम बाद में हो जाएंगे, प्लीज सिट डाउन, इसे बैठ जाइए। ग्रेट ग्रैंडफादर ने सीतापुर हाई हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया। आज अभी सादत अली का अपने मॉन्यूमेंट वहाँ गए थे बाइकर, उसके पीछे जो भास्कर है उसके इस्टेब्लिशमेंट में भी वो फाउंडर थे। ये उससे आती है, मगर इनको पता नहीं कहाँ से उधर आया जिन जुनून हो गया। शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, स्टडीड इन लखनऊ, नाउ शी सेटल्ड इन कनाडा आफ्टर मैरिज। And
विक्की मैम प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, प्लीज आगे आ जाइए. एंड मनीषा जी, आदिया जी प्लीज जॉइन अस इन द फ्रंट रो. करती है अपने यहाँ पे. दिस इज वन सच यूनिफॉर्म दैट स्पीक्स वंडर्स एंड डज वंडर्स. एंड इनोवेट क्लब लखनऊ राजधानी.